मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक प्रेमी द्वारा अपनी महिला प्रेमिका को शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर पिस्तौल दिखाकर डराने का मामला सामने आया है। पूरा मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मधुमिलन चौराहे पर एक महिला को एक युवक पिस्तौल दिखाकर डरा रहा है, जिस पर से पुलिस टीम ने दबिश दी और युवक को मौके से पकड़ लिया। उसने बताया कि महिला ने उसकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिस पर वो उसे डरा रहा था। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। युवक ने यह भी बताया कि महिला उसके कई सालों से परिचित है और उसके प्रेम संबंध है। उसने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, जो उसने ठुकरा दिया, तब जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। युवक द्वारकापुरी क्षेत्र का रहने वाला है। संयुक्तागंज पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। थाना संयोगितागंज में आज एक महिला द्वारा कंप्लेंट की गई कि उसका एक मित्र उसको पिस्टल दिखाकर शादी के लिए राजी करने के लिए धमकी दे रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी संयोगितागंज एवं उनकी टीम के द्वारा उस आरोपी की तलाशी कर उसको जब पकड़ के पूछताछ की गई तो उसके पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस मिले। आरोपी का नाम मानधाता सिंह है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जो द्वारिकापुरी क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी का ये कहना है कि वो महिला के साथ पिछले 5-6 वर्ष मित्र था और जब उसने विवाह प्रस्ताव महिला के सामने रखा तो महिला ने उसको अस्वीकार किया, तो इससे आक्रोशित होकर वो उसको शादी के लिए राजी करने के लिए इस हरकत की। नहीं, महिला केवल यही बोल रही थी कि वो ये लेके आया था और वो उसको लेके उसे आक्रोशित भाव से वो कह रहा था। ऐसा कोई मारने का धमकी या इस टाइप की कोई धमकी उसने नहीं दी। इसकी जांच पड़ताल जारी है, अभी उससे पूछा जा रहा है। अभी उसने ये कहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति से उसने खरीदी थी, तो उससे वो सब जो पूछताछ है जारी। इसमें आर्म्स एक्ट की धाराओं में कायमी की गई है और अग्रिम भी अगर कोई और इस पर कंप्लेंट होती तो उस पर वैधानिक कार्रवाई कर धाराओं का समावेश किया जाएगा। आरोपी अभी कोई ऐसा विशेष काम नहीं करता है, जो भी उसको काम मिल जाता है मजदूरी का वो काम करता है। लड़की का अभी क्योंकि लड़की की बात है इसलिए इसका बैकग्राउंड अभी नहीं लिखित किया जाए।